हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक आईपीओ से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। कल की डेट में उसका आईपीओ आने वाला है, तो सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेके एंकर इन्वेस्टर सभी न्यूज़ आपको मिल रही है यहीं पर इस वीडियो में मिल जाएगी, सो लास्ट तक बने रहिए। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके। एज वेल एज कहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन होगा, इंडिया का नंबर वन एंजल ब्रोकिंग है, जो इंडिया का नंबर वन ब्रोकिंग फर्म में आता है। सेबी रजिस्टर्ड है, विश्वसनीय है, काफ़ी पुराना है, ईयर्स हो गए इसे मार्केट में होते हुए। और फ्री में डीमैट अकाउंट, जीरो डिलीवरी चार्जेस, बहुत बेहतरीन है, एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड आईपीओ। देखिए, अभी आईपीओ आया था सबसे पहले इस साल एसबीआई का, ओके। उस टाइम आया था जब मार्केट कोलैप्स होने की कगार पर थी और हो गई थी, उस टाइम आया था और उसको डिस्काउंट में वो ओपन हुआ था। तो हुआ क्या था कि उसके बाद और भी बहुत सारे आईपीओ आए, और ये आईपीओ एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड आईपीओ, आपको पता है या नहीं पता, उस टाइम ये आईपीओ आया था, ओके। बट पब्लिक ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया, पब्लिक वॉज नॉट अवेयर, और कह सकते हैं कि पब्लिक वॉज इन फियर, ओके। दैट्स द रीज़न कि इस आईपीओ ये रद्द होता हुआ नज़र आया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे इन्वेस्टर हैं, इस आईपीओ को सीरियस नहीं लिया और ये आईपीओ कैंसिल करना पड़ गया। बट ये आईपीओ दोबारा आया है, ओके। एक तरीके का मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करता है, मोनोपोली क्रिएट करता है। और बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई पीयर कंपनी भी मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। जैसे कि वेस्ट हैंडलिंग, आपको लग रहा है वेस्ट का मतलब क्या है, गार्बेजेस जो आपके होते हैं, उसी से रिलेटेड ये आईपीओ है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 2001, मतलब 2001 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, ओके। एंड एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन इंडियाज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, जो आप एक तरीके का गार्बेज होता है कहते हैं जिसे, उससे उसको वो मैनेज करता है, ओके। द बिजनेस इज ऑफरिंग अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ MSW सर्विस, दैट इज सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स डिस्पोजल अक्रॉस द कंट्री। इट ऑल्सो प्लेज अ लीडिंग पोजिशन इन द लैंडफिल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट सेक्टर। तो आपको बता दिया है कि सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग इससे रिलेटेड इनका बिजनेस है, और ये पूरे इंडिया में है, तो काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो हमें नज़र आता है। तो देखिए, कंपनीज की बिजनेस ऑपरेटिंग इंक्लूड MSW, ACD, प्रोसेसिंग एंड मैकेनिज स्वीपिंग प्रोजेक्ट एज, मतलब उसी से रिलेटेड डिस्पोज, मतलब डिस्पोज एज वेल एज गार्बेज से रिलेटेड इनका बिजनेस हमें नजर आता है। एज ऑफ August 31st, 2020, एंटनी वेस्ट हैज 17 MSW CNT, 2 MSW प्रोसेसिंग एंड 4 mechanized स्वीपिंग ऑन गोइंग्स प्रोजेक्ट। द कंपनी इज अंडरटेकिंग मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थाने, ओके, एज वेल एज ए चिंचवाड़ा, ओके। तो आपको ये बहुत मतलब इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर ये कंपनी आपको एग्जिस्ट करती हुई मिलेगी। और इट हैज़ अ वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एट कांजूरमार्ग साइट। तो यहाँ पर बहुत से मतलब अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पर ये कंपनी आपको एग्जिस्ट होती ही मिलेगी। अगर की बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात की जाए, तो MSW कलेक्शन फ्रॉम कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, हाउस होल्ड्स एंड कम्युनिटी बिन्स। तो वही जो गार्बेज से रिलेटेड, जो घर घर का जो गार्बेज होता है, और के एज वेल एज कम्युनिटी बिन्स होता है, उससे रिलेटेड ये काम करती है। सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन वेस्ट फ्रॉम MSW CNT थ्रू कंपोजिंग एंड श्रेडिंग, रिसाइकिलिंग एक्सेट्रा। तो उसी चीज़ को रिसाइकिल करके एक अलग से फॉर्म बनाना, अलग अलग चीज़ बनाते होंगे, जैसे कि आप उनकी साइट पे जाके एक बार विजिट करके आप देख भी सकते हैं। और मैकेनाइज स्वीपिंग प्रोजेक्ट, डेवलपिंग पावर स्वीपिंग मैकेनिज्म, ओके, सॉरी मशीन्स, मेंटेन्स कंज्यूमेबल्स, सेफ वेस्ट डिस्पोजल एंड अदर अलाउ टू कंप्लीट क्लीनिंग ऑपरेशंस। तो इसी चीज़ से रिलेटेड इनका घूम फिर के बिजनेस आता है। एक बार जब वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा अंदाजा आ जाएगा।
अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो देखिए, लीडिंग प्लेयर इन MSW मैनेजमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ MSW प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स, व्हीकल एंड इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस टीम ऑफ प्रोमोटर्स। तो मतलब इनके जो जो हर एक कंपनी अपने बारे में बताती है ओके कि उनका मैनेजमेंट अच्छा है, दे हैव ए डाइवर्सिफाइड ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो वही सब इन्होंने बताया बता रखा है जो कंपनी हमेशा अपने बारे में बताती है। तो कंपनी प्रोमोटर्स की बात की जाए तो देखिए, जोस जैकब कलाराकल ओके, ये दीज आर द पीपल्स वो इज द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी। तो ये आप नाम देख सकते हैं, इनके बारे में भी आप इनकी वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं कि वो ये लोग एग्जैक्टली है क्या। अगर कंपनी फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो देखिए, फाइनेंस अगर हम बात करें तो बिलियन रुपीस में है। टोटल एसेट की बात करें तो 18 से लेकर सेप्टेम्बर 2020 तक जो कि अभी का है, तो पहले तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इनका जो टोटल एसेट था 4280551266721 और अभी सितंबर में 7075 का है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस और ये यहाँ पर आपको मंथ बेसिस पे आपको दिखाई देगा पहली बात, और एसेट तो ऑब्वियसली बात है कम्युलेटिव बेसिस ये बढ़ती हुई नज़र आती है। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं इनका 31 मार्च इनके जो 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें लगभग 2900 मिलियन रुपीस था, जो कि नेक्स्ट ईयर भी लगभग सेम ही था ओके। एज वेल एज 2020 की बात की जाए तो जो काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र आया 4646 ओके। और इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात की जाए, इससे ये क्वार्टर केवल क्वार्टर का है जो कि इनके पिछले ईयर्स के लगभग लगभग बराबर है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए प्रॉफिट की, तो जहाँ पर कंपनी 2018 में 398 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था, फिर 346 का हुआ, फिर उसके बाद जो 2020 का जो ये ईयर था उसमें 620.76 और एज वेल एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 290 अभी यहाँ पर सर इसी क्वार्टर में होता हुआ हमें नज़र आया है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस एज अ फाइनेंशियल देखेंगे तो काफ़ी मजबूत हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, तो क्योंकि कोई भी आईपीओ लाता है तो कुछ ना कुछ उनका ऑब्जेक्ट्स होता है कि हाँ वो आईपीओ क्यों ला रहे हैं, और वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये टू फाइनेंस ये एक जो प्रोजेक्ट है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज, तो इसमें एक ये प्रोजेक्ट लगाना चाहता है टू पे ऑफ कंपनीज का जो बोरिंग जो इनके पास कुछ बोरिंग होगी वो पे करने में लगाएंगे टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, जो कि हमेशा हर कंपनी कहती है। अगर एंटनी वेस्ट की डिटेल्स जानी जाए कि कब आ रहा है कैसे आ रहा है ओके, तो ये कल की डेट में आपको आता हुआ नजर आएगा, 21 दिसंबर को ओपनिंग डेट है। क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 23 दिसंबर यहाँ पर क्लोजिंग डेट है। इशू टाइप की बात की जाए तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ ओके, ये हमें नज़र आता है ओके। 5 का इसका फेस वैल्यू है, और अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 313 से 315 पर इक्विटी शेयर्स यहाँ पर आईपीओ का यहाँ पर है। तो मतलब आप कट ऑफ अगर आप लेंगे तो आप 315 के कट ऑफ प्राइस पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मार्केट लॉट की बात की जाए तो 47 शेयर्स का एक लॉट होगा, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, 5 रुपये के फेस वैल्यू के साथ 95,23,347 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। अगर बात की जाए तो लगभग 300 करोड़ रुपये का ये पूरा का पूरा आपको आईपीओ आता हुआ नज़र आएगा। अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो केवल 26,98,412 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर, लगभग 85 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है जिसे कह सकते हैं कि आईपीओ है, अदरवाइज पूरा पूरा ओएफएस है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। लगभग 68,24,933 इक्विटी शेयर्स 5 रुपये के फेस वैल्यू का, मतलब 215 रुपये का ओएफएस आता हुआ आपको नजर आएगा। 215 रुपये के शेयर्स यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर बेच रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं। अगर टेंटेटिव टाइम टेबल्स की बात की जाए तो 21 को जैसे कि आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा, 23 को क्लोज हो जाएगा ओके, 23 लास्ट डेट है, और 1 तारीख को ये लिस्ट होता हुआ, मतलब आपको न्यू ईयर पे ये लिस्ट होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स है। अगर अलॉटमेंट आपको मिला शेयर तो 29 को आपको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा, और 30 तारीख को मतलब 30 दिसंबर को यहाँ पर आपको रिफंड आ जाएगा।
क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात की जाए तो 31 तारीख को जो आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, 1 तारीख को मार्केट लिस्ट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्काउंट पे ओपन होता है, प्रीमियम पे ओपन होता है। इट्स ऑल अबाउट द टाइम, ओके, एंड द कंडीशन ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी हुई, अच्छा भागा, तो ऑब्वियस ही बात है आईपीओ हमेशा अच्छा ही रेस्पॉन्स करेगा, ओके। अगर अच्छा नहीं भागा तो आपको लास्ट टाइम ही कैंसिल होता हुआ नज़र आया था, इस बार डिस्काउंट पे भी नज़र आ सकता है, जो कि एक ऊपर वीडियो दे दूंगा। रोजरी एज वेल एज SBI का, जो SBI कार्ड का आईपीओ आया था, तो क्या क्या हुआ था वो उस वीडियो को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द टाइम। अगर बात की जाए तो OFS है, ओके, 300। अब कितने एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर किया है तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो बता देना चाहता हूँ कि मिनिमम जो लॉट साइज़ है, ओके, आप 14,805 रुपीज़ का यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, 1,92,465 रुपये का। एज वेल एज प्री इशू शेयर जो अभी होल्डिंग है, ओके, प्रमोटर्स की लगभग 51% की है, इसके बाद इनकी 46.20% की हिस्सेदारी रह जाएगी, तो इस चीज़ को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए, ग्रे मार्केट का अलग अलग प्रीमियम चल रहा है, ओके, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी 5 बजे के लगभग, ओके, 19 तारीख को, मतलब कल की डेट में, लगभग 145 से 150 रुपये का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, जो कि अच्छी बात है। बट लगभग 9 से 10 दिन हो जाएंगे इस बीच में, तो अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको ये डिस्काउंट पे भी ओपन होता हुआ दिखाई देगा। बट अभी अच्छा चल रहा है, तो कोई आपको परेशानी वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ टाइम का, मतलब लास्ट डे पे आप अप्लाई करिएगा। लास्ट डे पे आपको सारा का सारा, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है या कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो सब कुछ आपका आता हुआ नजर आएगा। अगर बात की जाए कितने लोग, मतलब कितने परसेंटेज के लिए, तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35%, मतलब 33,33,173,171 शेयर्स रखे गए हैं। सो आपको अलॉट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए 15, और एज वेल एज QIB की बात की जाए तो लगभग 50% की हिस्सेदारी उनकी है। अगर बात की जाए एंकर इन्वेस्टर की, तो लगभग 90 करोड़ रुपए के, 90 करोड़ रुपए उन्होंने एंकर इन्वेस्टर, 10 एंकर इन्वेस्टर से यहाँ पर जुटाए हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई है, ओके। अप्लाई करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एज वेल एज मार्केट को देखते रहिएगा, और कुछ कंडीशंस देखते रहिएगा, और लास्ट डे पे ही अप्लाई करिएगा। क्योंकि अगर पता चल जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि कितने परसेंट लोग, कितना ये सब्सक्राइब हो रहा है, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो वो एक आइडिया आपको आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर। नीचे आपको लिंक है, आप इस पे जाके अकाउंट ओपन करा लीजिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ ने शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।